बॉलीवुड की अब तक की मोस्ट अवेटेड मूवी आदि पुरुष जो फाइनली आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है और इस मूवी को कई अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया गया है, मतलब पैन इंडिया लेवल पे। मूवी के रन टाइम की बात करूँ तो ओवरऑल ये 3 घंटे की मूवी है। फाइनली मैं देख के आ गया उस मूवी का फर्स्ट शो। चलिए बात करते हैं आखिर ये मूवी कैसी है। मूवी को देखते वक्त आपको साउथ वाली फीलिंग जरूर आएगी, अगर आप साउथ की मूवीज देखते हो तो ये आपको कुछ उसी टाइप की लगेगी। वहीं अगर बात करूँ उस मूवी के VFX की, तो भाई जब इस मूवी का टीजर आया था तब इस मूवी के अंदर रियल और एनिमेशन दोनों को ही मिक्स कर दिया गया था। कहीं कहीं हमें रियल लग रहा था और कहीं कहीं हमें एनिमेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन फाइनली अब VFX ठीक हो गया है और इस VFX के साथ आपको मूवी देखने में काफी मजा आएगा। आखिर मजा आए भी क्यों ना इस VFX को देखने में, 700 करोड़ जो यूं ही फूंक दिए। वहीं अगर करेक्टर की बात करूं तो राम का करेक्टर कुछ खास पसंद नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि यार इस मूवी के अंदर अगर आप उनको देखोगे तो वो कहीं से आपको राम नजर नहीं आएंगे। डायरेक्टर ने थोड़ी गलती यही कर दी कि अगर करेक्टर को करेक्टर वाइज रखा होता तो मूवी पब्लिक को और ज्यादा पसंद आती। लेकिन हाँ, जब मूवी में प्रभास की एंट्री होगी तो आप लोग सीटी और तालियां जरूर बजाओगे, क्योंकि भाई एंट्री इनकी काफी जबरदस्त रखी गई है। वहीं अगर कृति सेनन की बात करें तो भाई कृति सेनन माता सीता के रोल में काफी अच्छी नजर आ रही है। अगर बात करूं तो कृति सेनन की, तो भाई इस रोल के लिए परफेक्ट निकली। स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी सबको पता थी और स्टोरी अच्छी भी है। आज के बहुत कम जनरेशन को इस स्टोरी के बारे में पता है, तो फाइनली इस मूवी के जरिए स्टोरी पहुंचाना एक काफी अच्छा तरीका है। वहीं बात करूं हमारे सैफ अली यानी रावण की, तो भाई रावण के कैरेक्टर को इन्होंने काफी अच्छा प्ले किया है। जैसा खतरनाक लुक इनका तानाजी मूवी में था, बिल्कुल वैसे ही खतरनाक लुक इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करूं तो मूवी काफी अच्छी है और जैसा कि आप लोग पता होगा फैमिली के साथ इसको देखने को जा सकते हो तो बिल्कुल जाओ। और भाई जहां तक इस मूवी की हाइप बनी हुई है अभी के समय में, तो इतना ही कहूंगा ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ेगी नहीं बल्कि बना के जाएगी। वैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपकमिंग मूवीज के अपडेट्स बताए थे, काफी सारी फिल्मों के अपडेट्स आए हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करना, काफी सारी फिल्मों के अपडेट्स है भाई। बाकी बात करें आदि पुरुष की, तो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल पता चलेगा, तो कल मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, कल आप लोग देख लेना। लेकिन देखने से पहले आप लोग करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में घंटी का आइकन दिखेगा उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, तभी आप लोग सबसे पहले देख पाओगे।